नमस्कार, इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। नवरात्रों के बीच एक राहत भरी खबर आई है। तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में कटौती की है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुताबिक आज 1 अक्टूबर से दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर का दाम 25.5 रुपए, कोलकाता में 36.5 रुपए, मुंबई में 32.5 रुपए, चेन्नई में 35.5 रुपए कम मिलेगा। हालांकि घरेलू इस्तेमाल में आने वाले सिलेंडर के दाम जस के तस रखे हैं। 14.2 किलो वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर पुराने दामों पर ही मिलेगा। दिल्ली में इंडियन का 19 किलो का सिलेंडर 1885 रुपए की जगह अब 1859.5 रुपए में मिलेगा। वही कोलकाता में कमर्शियल सिलेंडर 1995.50 रुपए में मिलेगा। पहले यह 1959 रुपए का मिलता था, जब मुंबई में कमर्शियल सिलेंडर 1844 रुपए की जगह 1811.5 रुपए में मिलेगा। चेन्नई में एलपीजी सिलेंडर 2009.50 रुपए में मिलेगा। इससे पहले यहां यह सिलेंडर 2045 रुपए में मिलता था। लगातार छठे महीने कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में कमी आई है। मई में इसकी कीमत 2354 रुपए पर पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद इसमें लगातार कटौती की गई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में कमी होने से उम्मीद की जा रही है कि बाहर खाना पीना सस्ता हो सकता है। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन अन्य वस्तुओं के दामों में लगातार इजाफे के बाद इसकी कीमत कम की जा रही है। नेचुरल गैस की कीमतें 40% बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। अब सीएनजी और पाइप से रसोई तक पहुंचने वाली पीएनजी गैस के दाम बढ़ सकते हैं। ओएनजीसी और ओआईएल के पुराने क्षेत्रों से गैस की कीमत 6.1 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 8.57 अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू हो गई है। पीपीएसी के आदेश में कहा गया है कि रिलायंस बीपी की गैस की दरें बढ़कर 12.46 अमेरिकी डॉलर पहुंच गई है। दरअसल वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमतों में उछाल के साथ प्राकृतिक गैस की कीमतों में शुक्रवार को 40% रिकॉर्ड बढ़ोतरी कर दी गई है। इससे देश में बिजली उत्पादन, उर्वरक बनाने और वाहन चलाने में इस्तेमाल होने वाली गैस महंगी हो जाने की आशंका है। तेल मंत्रालय के पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ की तरफ से जारी आदेश के अनुसार पुराने क्षेत्रों में उत्पादित गैस के लिए भुगतान की जाने वाली दर को मौजूदा 6.1 प्रति डॉलर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट से बढ़ाकर 8.57 डॉलर प्रति एमबीटीयू कर दिया गया है। अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।